बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के आह्वान पर आज पूरे बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई। इस क्रम में आज भोजपुर जिला अधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में जातिगत जनगणना के लिए जिला प्रशासन की एक टीम आरा के चंदवा मोहल्ले से शुरुआत किया। इस दौरान यह पूरी टीम घर घर जाकर लोगों से उनकी जाति पूछकर जनगणना में शामिल किया। वही जिलाधिकारी राजकुमार ने बताया कि जातिगत जनगणना को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी कर रखी है। वही जिला प्रशासन के द्वारा एक ऐप जारी किया जाएगा जिससे लोग अपनी गणना दर्ज करवाएंगे। वही जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील किया है कि जो जनगणना करने वाले कर्मियों को सही जानकारी दीजिए ताकि बिहार में जातिगत जनगणना की जा सके और यह जातिगत जनगणना विकास के कार्यों में काफी कार्यशील होगा। बिहार में जाति आबादी गणना का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है, उसी के साथ भोजपुर जिले में भी द्वितीय चरण गणना का शुभारंभ किया गया है। अब देख रहे हैं कि हम लोग बाबू जगजीवन राम के बाद से ही इस मुद्दे की शुरुआत हुई है और हम लोग घर घर जाके लोगों से उनका फीडबैक ले रहे हैं और उसको ऐप पर अपलोड किया जाएगा और वास्तविक जनगणना जो इसी के साथ है पूर्व में हम लोगों ने उसके पूर्व तैयारी की थी पहले चरण में। अब जो वार्षिक जनगणना हो वार्षिक जनगणना की जा रही है इससे इस बिहार में वार्षिक रूप से पता चलेगा कितने लोग हमारे बिहार के किस जाति के हैं और उस योजनाओं को सफल बनाने में क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। सभी लोगों से मेरी अपील है तो वे जो हमारे प्रगणक घर घर जाके कर रहे हैं उनमें सहयोग करें और वास्तविक बातों को बताएँ ताकि वो उन बातों को लिख सकें और वास्तविकता का पता चल सके। नहीं, गृह के प्रधान से ही लिखवाना पड़ेगा जो भी है। हाँ, कोई भी जो जो इसमें है इसमें 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 बता संतोष जी अशोक जी सीमा जी नहीं है और कौन है तुमसे बड़े कौन है? मामा जी जो थे ना वो घर पे मामी मामी है मामी मामी से करा दो मामी का नाम है ना बस मामी से वो नहीं सीमा देवी और इसमें नाम नहीं है उनका तो वहाँ नाम नहीं लिखवाएंगे बात तो की है नहीं लिखवाएंगे नहीं लिखवाएंगे आप सर्टिफिकेट तो देंगे जी जी बस बात की है तो इसमें जितना नाम लिखाया गया इसमें कौन है इसमें ये लड़की जो है और कोई नहीं है